नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं घंटी बजाओ अब होगी हर वार्ड की पड़ताल। और पड़ताल के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वार्ड नंबर 18 से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जीते हुए पार्षद दिनेश गुप्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले देखिए जब हम वार्ड नंबर 18 में गए तो लोगों का क्या कहना था। चलो रोड के लिए कंप्लेंट थी, बहुत तो बन गई है जी। ठीक है, बाकी स्ट्रीट लाइट है की प्रॉब्लम थोड़ी सी। क्या स्ट्रीट लाइट काम नहीं करती है? कोई आया ही नहीं, अब एक दो बार ने बोला भी था उनको तो वो आया नहीं। हमें मैडम सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम है, सीवरेज के पूरे मोहल्ले को उन्होंने कनेक्शन इशू कर दिए हैं। हमारी जो लेन है ना, लक्ष्मी नगर अपोजिट लाखी जाती बैंक था पहले, अब तो है नहीं, यहाँ पे लुथरा लेन है जो, उसमें हमें सीवरेज का कनेक्शन नहीं मिला है। एक प्रॉब्लम ये है, बाकी स्ट्रीट लाइट की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। काम करती है जहाँ पे तो बल्ब भी नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम है। अगर आप रात को यहाँ पे एक बार विजिट करो, जहाँ पे इतने बुजुर्ग वगैरह हैं, बच्चे वगैरह, उनका आना जाना इस गली में मुश्किल हो जाता है। वार्ड नंबर 18 से दिनेश गुप्ता हमारे साथ हैं, जीते हुए पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। दिनेश जी, एक साल हो गया है पार्षद बने हुए, रिपोर्ट कार्ड देने की बारी आई है जनता को, जनता हिसाब मांग रही है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपने इस बीते एक साल में क्या क्या कार्य करवाए हैं अपने वार्ड में। सबसे तो पहले मैं आपके माध्यम से पूरे अपने वार्ड के लोगों को और जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक तो जो दफ़ा 370 टूटने की वजह से और जो यूनियन टेरेटरी बनने की वजह से, और दूसरा दिवाली का मौसम गया, दिवाली की वजह से भी है और आने वाला नया साल भी आने वाला हो। मैं कहता हूँ कि हमारा आने वाला साल सबके लिए मंगलमय हो और एकता भाईचारा पूरे जम्मू कश्मीर में बना रहे। दूसरे नंबर पे बात यह है कि मेरा वार्ड 18 नंबर है। यह सरवाल से शुरू होता है, क्रांति प्रेस से लेकर या ऊपर न्यू ब्लड सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक से शुरू होता है और टाली मोड़ तक यह सारा बहुत बड़ा वार्ड है। इसमें माना बस्ती का एरिया आता है, अपर लक्ष्मी नगर सरवाल का, सरवाल चौक का एरिया आता है, लास्ट मोड़ आता है, कृष्णा बिल्डिंग का एरिया आता है, काफ़ी बहुत बड़ा वार्ड है हमारा जी। तो क्या क्या करवाए कार्य जो है वो आपने अभी अपने बीते एक साल में करवाए? पिछले एक साल में हमने कम से कम 1 करोड़ रुपए के जो हैं वो जो लुक के काम हैं जो वो करवाए हैं। कुछ 4-5-6 गलियां रह गई होंगी, उसके भी टेंडर लगे हुए हैं, वो भी अब कुछ दिनों के अंदर वो भी शुरू होने वाले हैं। गलियों का काम करवाए हैं, कम से कम मैंने 35 लाख रुपए के काम जो हैं, हमारे पूर्व MLA थे उनके CDF के जो पैसे थे उनसे मैंने वो भी करवाए हैं। जो अपने कॉरपोरेशन की तरफ से हमें जो 10-10 लाख रुपया मिला था उसके काम भी जो है वो मैंने करवा दिए हैं। अब नया बजट मिला है, नए बजट में पैसे आ रहे हैं, जो काम बचते होंगे वो हम उसमें करवाएंगे। चलिए दिनेश जी, ये तो आपने लेखा जोखा दिया कि पिछले बीते एक साल में आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं। हम आपके वार्ड में गए थे, वार्ड के लोगों से बातचीत की। अब जो मैं आपसे कुछ सवाल हैं आपके वार्ड के लोगों के जो मैं पूछने वाला हूँ वो उन्हीं के सवाल हैं। ये कहावत है कि जहाँ पर फूल खिलता है वहाँ कांटे भी होते हैं। जिस गली में या जिस मोहल्ले में काम हुआ है वो लोग खुश हैं, लेकिन जिस मोहल्ले में, जिस गली का काम नहीं हुआ है या उन लोगों का काम नहीं हुआ है तो वो लोग आपसे खफा हैं। स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, दिक्कत आ रही है स्ट्रीट लाइट्स की। कम से कम 80% की स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो इस वक्त ठीक हो चुकी हैं और आने वाले समय में हमने कॉरपोरेशन की तरफ से एक MOU साइन कर दिया है, जो पूरे वार्ड के 75 के 75 वार्ड जम्मू सिटी के हैं उनको जो है वो पूरी एक कंपनी जो है वो नई लाइटें लगाएंगी और उसकी मेंटेनेंस भी जो 5 साल के लिए वो 7 साल के लिए वही करेंगी। अब हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे वार्ड के अंदर इस वक्त हमारे 3-4 ऑटो चल रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं वो भी डोर से डोर जो उन्होंने कलेक्शन शुरू कर दी है। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम आती है हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद थोड़ा सा जो है इन सफाई कर्मचारियों के साथ उनका थोड़ा साथ दें, क्योंकि वो आते हैं 4-5 घंटे के लिए काम करने के लिए, 12 दिन तो पूरा जो है वो हमारे पास ही रहता है। अगर हम थोड़ा उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो भी हमारी मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है दिनेश जी ने कि देखिए कोई भी कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी, वो आपके पास सिर्फ 5 से 6 घंटे काम करने आ सकता है, लेकिन उसके बाद पूरा दिन आपको ही, जिस प्रकार से हम सब अपना अपना घर साफ रखते हैं, आपको अपना मोहल्ला साफ रखना है। अगर हर शख्स अपना मोहल्ला साफ रखेगा तो वार्ड खुद से साफ रहेगा। दिनेश जी,
ज़्यादातर पार्षदों को फंड्स की दिक्कत है, आपको है? वो तो सबके साथ ही है, लेकिन कुछ हमें अपने तरफ से जो है वो फंड्स मिल जाते हैं। पीछे हमने एमएलए साहब से पैसे लिए, हमारे अशोक खजूरिया जी एमएलसी हैं, मैंने उनसे भी कुछ पैसे लिए हैं, कुछ युगल जी से लिए थे। इस तरह कर करके जो है वो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाता है, और हमारा डबल दूसरे साल दूसरा टर्म है ये। लेकिन कुछ जो है वो किसी डिपार्टमेंट जो है तो वो पुराना देख के भी कहते हैं कि चलो भाई इनकी थोड़ी बहुत मदद जो है वहाँ से भी हमें डिपार्टमेंटल भी हो जाती है। आपके पास भी लोग शिकायतें लेकर आते होंगे कि हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा वो काम कर दीजिए, लेकिन कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा फंड्स नहीं दिया गया तो शायद मैं कहीं चूक ना जाऊं और ये लोग मेरे से दुखी ना हो जाएं? हाँ, मेरे पास भी लोग आते हैं। आपने जो पहले बात कही थी कि जिनकी गलियाँ बन गई वो तो खुश हैं, जिनकी नहीं बनी वो तो नाराज होंगे ही होंगे। लेकिन मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर हमें शायद सरवाल के अंदर कोई वार्ड नंबर 18 में गली बची मिलेगी जो हमारी ठीक नहीं होगी। और जो पैसे की बात है, पैसा बहुत आ रहा है कॉरपोरेशन के पास, लेकिन ये पिछले कुछ 6-7 महीने से 8 महीने से जम्मू पूरे का जो है डिस्टर्ब होने की वजह से पैसे की कोई सही सिस्टम बन नहीं रहा है। लेकिन अब इतना पैसा आएगा कि किसी भी कॉरपोरेटर को जो है ये परेशानी नहीं आने वाली है पैसे की वजह से, कि उसके काम नहीं हो रहे हैं। कुछ एक्सटेंडेड वार्ड हैं जो नए इस दफ़ा कॉरपोरेशन में आए हैं, उनको थोड़ी परेशानी ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ से कोई जो आदमी जीतता है ना तो हर आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा जो है काम हो। खासकर बीजेपी के जो कॉरपोरेटर जीते हैं ना, उनके साथ तो सब लोगों को आता है, क्योंकि उनको लगता है जैसे ही हमारे अपने घर के आदमी हैं। किसी दूसरी पार्टी का तो नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं उनके लिए सबको यही है कि हर आदमी को सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, ये मेरा अपना घर का आदमी है, मेरा काम अभी इसी वक्त हो जाएगा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं सभी, हम भी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी देखेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, आपने भी माना इस बात को कि जिन लोगों के मोहल्ले में गलियाँ नहीं बनी हैं तो वो लोग नाराज हैं, और एक पार्षद के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप लोग वोट मांगने गए थे तो आपने भी वादा किया होगा कि हमें आप अपना बहुमूल्य वोट दीजिए, हमें जिताइए, जब हम पार्षद बन जाएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो अब लोगों के दिल में जब किसी मोहल्ले में काम नहीं हो रहा तो उस मोहल्ले के लोग तो यही सोचेंगे ना कि हमारे पार्षद ने तो हमसे झूठा वादा कर दिया। और ये जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अगले 5 साल के बाद कमांड फिर जनता के हाथ में होगी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वार्ड के लोगों का जिन्होंने 2005 में मेरे को 18-19 वोटों से जिताया था। इस दफ़ा 700 वोटों से जिताकर मेरे को कॉरपोरेशन में दोबारा भेजा है। दूसरी दफ़ा जितना कोई इतना आसान काम नहीं होता, खासकर कॉरपोरेशन में। मैंने लोगों के काम किए थे, लोगों से मिला हूँ, इसी वजह से लोगों ने मेरे को दोबारा जिताया है। और मैं लोगों को विश्वास दिलवाता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होगी उनको पूरा सॉल्व करेंगे, ताकि अगले दफा अगर दोबारा मैं खड़ा होता हूं तो 700 की जगह 1700 वोटों से जीतूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि दिनेश गुप्ता ने कहा है कि आने वाले एक साल में वार्ड नंबर 18 में एक भी ऐसी गली नहीं दिखेगी जो टूटी हुई होगी। उम्मीद करते हैं कि जो ये वादा वार्ड नंबर 18 के पार्षद ने अपने जनता के साथ किया है, ये महज वादा ना रह जाए, ये जमीनी स्तर पर देखने को भी मिले और वार्ड नंबर 18 के लोग भी कहें कि हाँ, हमारे पार्षद ने जो वादा किया था वो वादा वाकई में वादा नहीं था, हकीकत थी। आप लोग ऐसे ही हर रात 9 बजे देखते रहिए, घंटी बजाओ, अब होगी हर वार्ड की पड़ताल। हर रात 9 बजे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक नया पार्षद होगा, आप लोगों के सवाल यानी कि जनता के सवाल होंगे और जीते हुए पार्षद के जवाब होंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने आसपास साफ सफाई रखिए और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।